राम राम जी, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेजिटेबल पुलाव। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख देते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले गैस चलाऊंगी और कढ़ाई इसके ऊपर रखने वाली हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी घी। आप चाहे तो कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, तेल, ऑलिव ऑयल, जैसे भी आपको अच्छा लगे, सरसों का तेल जो पसंद हो वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें घी ऐड करने वाली हूँ क्योंकि मुझे घी में ही ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। और कोई क्वांटिटी मैं आपको यहाँ नहीं बता रही क्योंकि मैं अपनी पसंद से डाल रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये घी गर्म होने वाला है और मैं इसमें कोई जीरा वगैरह भी नहीं डालने वाली, ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खड़े मसालों से या ऐसे मसालों से जो रेगुलरली आपके खाने में नहीं डलते हैं। तो सबसे पहले है लौंग और इलायची, ये मैं बहुत कम, एक या दो डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। इसके साथ साथ मैं डालूंगी, लोग दालचीनी का टुकड़ा डालते हैं, मैंने यहाँ दालचीनी का पाउडर बनाया हुआ है पहले से, तो मैं ज़रा सा पाउडर डाल दूँगी, सेम ही इसका टेस्ट आता है, बस फर्क इतना है कि वो टुकड़ा आपके मुंह में आता है, ये बिल्कुल भी आपके मुंह में नहीं। इसके बाद अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सबसे पहले प्याज, और यहाँ मैंने एक बड़ी वाली प्याज काटी हुई है तो वो डाल दूँगी। प्याज अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें जो मैंने लहसुन लिया हुआ था वो डालूंगी और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। साथ साथ इसमें मैं ये अदरक का पाउडर डाल रही हूँ, मैंने अदरक को भी सुखा कर उसको पाउडर बना लिया क्योंकि मुझे अदरक जब मुंह में आती है तो उसका टेस्ट बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैंने इसको सुखा के पहले ही पाउडर बना लिया। मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स, मुझे सिर्फ बादाम पसंद है इसलिए मैं बादाम डाल रही हूँ, आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और इसमें घी काफ़ी ज़्यादा था इसलिए इसे मुझे अलग भूनने की ज़रूरत नहीं है। और अब मैं इसमें डालूँगी, ये आल है जो प्याज के ऊपर का हिस्सा होता है वो है, तो ये मेरे घर में थी इसलिए मैंने इसे डाल दिया, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं डालने वाली वेजिटेबल, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, मैंने यहाँ स्वीट कॉर्न यूज किया है क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद है इसलिए मैंने इसे ऐड किया है, और मोस्टली इसमें वो भी सब्जियाँ थी जो मेरे घर में अवेलेबल थी, आप बाहर से चाहें तो ला सकते हैं या जो करते हैं वो भी डाल सकते हैं। देख सकते हैं जितनी भी सब्जियाँ हैं सब हेल्दी सब्जियाँ हैं। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, सबसे पहले नमक, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, धनिया पाउडर ये भी, और गरम मसाला। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड नहीं की है, एक्चुअली मुझे लाल मिर्च नहीं मिली थी इसलिए मुझे ये रेड चिली पाउडर डालना, सॉरी रेड चिली सॉस इसमें डालना पड़ा। तो अगर आपके घर में लाल मिर्च है तो आप लाल मिर्च ज़रूर डालें। अच्छे से मिक्स कर दें। इसके बाद इसमें डालें चावल जो आपने पहले से भिगोए हुए हों काफ़ी देर के लिए, ताकि ये सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाएं और अच्छे से गल भी जाएं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, पानी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि चावल थोड़े से ऊपर तक भीग जाएं। मिक्स कर दीजिए पानी को इसमें अच्छी तरह से, ताकि सारे सब्जी और चावल अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें। अब इसे ढक कर रख दीजिए 5 मिनट के लिए कम से कम।
अब खोल के देखिए और आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। और अब मैं फ्लेम बिल्कुल धीमे पे ही रखूंगी और इसमें ऐड करने वाली हूँ मलाई। बहुत से लोग ये चीज़ ऐड नहीं करते, मैं ये इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इसमें जो मैंने मसाले इलायची और लौंग वगैरह और दालचीनी डाला है उसका टेस्ट ज़्यादा उभर के ना आए, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा कड़वा टाइप लगता है। तो इसलिए मैंने इसमें मलाई डाली है कि इसमें जो भी ओवर मसाला हो गया हो उसका टेस्ट उभर कर ना आए, और ये बहुत अच्छा टेस्ट में लगने भी वाला है क्योंकि क्रीम जो होती है वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रिच बना देती है, इसलिए मैंने इसे इसमें डाला है। आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए लगभग चावल पूरी तरह तैयार हो चुके हैं, देखिए, और मैं चेक करूँगी कि ये कच्चे तो नहीं हैं। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं हैं। अब बाकी बचा इसमें धनिया पा सॉरी हरा धनिया जो मैं ये यहाँ काटा हुआ है पहले से, अब मैं वो डाल दूंगी। मिक्स कर देते हैं। तो मेरे पुलाव बनकर तैयार हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।